ग्रहण शुरू से ही दुनिया को रोमांचित करता रहा है। कोई इसे शुभ संकेतों का आगाज मानता है तो कोई इसे अनहोनी घटना का प्रतीक। इस खगोलीय घटना को ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व दिया गया है। हालांकि वैज्ञानिक इसे आस्था और धर्म के परे पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों और विज्ञान के अलावा किसी भी चीज से जोड़कर नहीं देखते, तो वहीं ज्योतिष इसे कुदरत का अद्भुत संयोग बताते हैं। और इसी बीच दुनिया भर में साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण गुरुवार को दिखने वाला है, तो आइए आपको बताते हैं कि इस साल के पहले सूर्य ग्रहण में क्या कुछ नया होने वाला है। साल 2023 के पहले सूर्य ग्रहण में बस एक दिन का इंतजार शेष है, जब आसमान में एक अद्भुत कुदरती नजारा देखने को मिलेगा। असल में एक दिन बाद यानी 20 अप्रैल को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। वैसे तो ग्रहण एक अहम खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। इस साल का ये पहला सूर्य ग्रहण दुनिया के एक बड़े हिस्से में नजर आएगा। हालांकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा, ये एक दुर्लभ नजारा होगा, लेकिन भारत में खगोल प्रेमियों को निराश होना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी नहीं देखा जा सकेगा। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण चीन, अमेरिका, मलेशिया, फिजी, जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वियतनाम, ताइवान, इंडोनेशिया और फिलीपींस में देखा जा सकेगा। हालांकि धार्मिक रूप से सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जहां पर भी होता है उसी स्थान के ऊपर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस वर्ष चार ग्रहण पड़ेंगे पूरे, उसमें जो है भारतवर्ष में केवल 20 और 28-29 की रात को जो चंद्र ग्रहण पड़ेगा उसका असर केवल भारत पर पड़ने वाला है। ये जो 20 तारीख को 20 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा इसका असर जो है पैसिफिक जो सागर है वहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन देशों के ऊपर साउथ वेस्ट एशिया जो है साउथ ईस्ट एशिया जो है वहां पर इसका असर देखने को ज्यादा मिलेगा यहां पर नहीं। लेकिन इसमें एक बात है कि अगर सूर्य जो है अपनी उच्च राशि के ऊपर हो या स्व राशि के ऊपर हो यानी कि अप्रैल में या अगस्त के अंदर ये सूर्य ग्रहण पड़ता है तो जिस दिशा के अंदर जिस जहां के ऊपर वो ग्रहण पड़ रहा है उस देश की और उससे संबंधित देशों की दिशा में राजनीतिक दिशा के अंदर परिवर्तन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण वैशाख अमावस्या पर लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण मेष और अश्विनी नक्षत्र में लगने जा रहा है, जबकि मेष राशि में 19 साल बाद ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 20 अप्रैल को ये सुबह 7:04 पर शुरू होगा और दोपहर 12:29 पर खत्म होगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण तीन रूप, आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार में दिखेगा। इसे वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड सूर्य ग्रहण नाम दिया है। ये सूर्य ग्रहण 100 साल में एक बार लगता है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले लगने वाला सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इनके सूर्य ग्रहण की बतना एक तो साइंटिफिक है, जब सूर्य के और जो है पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और ये घटना केवल अमावस्या को ही संभव होती है। अगर जब ये ऐसा होता है तो चंद्रमा की पूरी पूरी छाया जो है वो उसको सूर्य को आच्छादित कर देती है, हम पृथ्वी से उसको स्थान को देख नहीं पाते हैं, सूर्य को हमारे को दिखना मुश्किल हो जाता है क्योंकि चंद्रमा पूरा तरह से पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ जाता है। इसको जो है कहा जाता है कि यह सूर्य ग्रहण। जब जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे जुड़ी तैयारी और उसका विश्लेषण भी शुरू हो जाता है, क्योंकि ये कुदरत का करिश्मा आदिकाल से लोगों के बीच कौतूहल का विषय रहा है। इस दौरान कुछ और जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। जो वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिक कारक है, वो हमें जो चीज दिखाई देता है उसी के ऊपर है, और जो उसमें अंतर दिखाई देता है किसी भी सूर्य ग्रहण के समय में, क्योंकि सूर्य ग्रहण अपने आप में, सूर्य एक अपने आप में पूरी पूरी ऊर्जा का स्रोत है, तो जब ग्रहण होता है तो वो ऊर्जा का स्रोत कहीं ना कहीं पर दबता है, और जब वो दबता है तो जो उसके कारण आसमान में या एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर में या जमीन में जो परिवर्तन हो सकते हैं वो परिवर्तन वैज्ञानिक रूप से पाए जाते हैं।
अक्सर हमने सुबह सूरज को उगते देखा है और शाम को अस्त होते हुए पाया है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दिन भगवान भास्कर कुछ समय के लिए अपने तय समय से पहले ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हालांकि सूर्य ग्रहण को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई तरह की मान्यताएं और कथाएं भी प्रचलित हैं। वक्त बदला और बदलते वक्त के साथ लोगों की सोच भी बदली, मगर आज भी जब जब ग्रहण लगता है तो इसे लेकर लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठते हैं। सूर्य ग्रहण के समय या फिर चंद्र ग्रहण के समय ये ग्रहण की जो एनर्जीज होती है, जैसे मैंने कहा राहु केतु की एनर्जीज प्रबल हो जाती हैं, तो ये एनर्जीज नकारात्मक ऊर्जा का संचरण करती हैं और ये ऊर्जाएं उस समय उस जल में अधिक आ जाती हैं। तो आप उससे स्नान भी करेंगे तो आपके अंदर लोअर इमोशन जैसे कि गुस्सा क्रोना आना या डिप्रेशन में जाना या कंफ्यूजन में आना या बेचैन हो जाना, ये सारी प्रवृत्तियां ज्यादा जागृत होती हैं बनिस्पत कि शांत होना, सुखी होना, खुश होना, क्योंकि स्नान से मुंह पर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन ये फर्क होता है, इसलिए बोलते हैं इस समय बिल्कुल आप स्नान नहीं करिए। इनमें कुछ का आधार वैज्ञानिक होता है तो कुछ आस्था और धर्म की जमीन से जुड़े होते हैं। हालांकि ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ये कई राशि वाले जातकों के लिए मंगलकारी भी होता है। मसलन साल 2023 के पहले सूर्य ग्रहण को वृष मिथुन धनु मीन राशि के जातकों के लिए शुभ बताया जा रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जाता है सूर्य को आत्मा कहा जाता है, राहु को बोला जाता है कि चंद्रमा को माया बोलते हैं, राहु को बोलते हैं कि कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, केतु को टेल ऑफ द कुंडलिनी बोलते हैं। ये जब इसका प्रभाव सूर्य चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तो व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति बहुत ज्यादा होती है। हालांकि साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में भले नहीं दिखेगा लेकिन दूसरा सूर्य ग्रहण दिखेगा। साल 2023 में चार ग्रहण लगने जा रहे हैं जिनमें दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण है। दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को लगेगा जबकि साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को और दूसरा चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को होगा। शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा और भी कई नियम सूर्य ग्रहण को लेकर प्रचलित हैं। सूर्य ग्रहण पर तीर्थ पुरोहितों से लेकर ज्योतिषियों की बारीक नजर रहती है क्योंकि ग्रहण के खत्म होने के बाद उन्हें नए सिरे से मंदिरों की साफ सफाई करनी पड़ती है। इसी तरह ज्योतिषाचार्य अपनी गणना के गणित से भविष्य को टटोलने की कोशिश करते हैं, लिहाजा ग्रहण के आते ही उसके टाइम टेबल को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। हमारे पूर्वजों ने सिस्टम बनाया और एक उसको एक रिचुअल की तरह कर दिया, उसके पीछे भी साइंटिफिक कारण रहे हैं। मंदिर है, गर्भगृह है, उसको बंद कर देते हैं। अगर बंद नहीं करेंगे जिस समय ग्रहण पड़ता है आपकी एक नॉर्मल एवरेज पीसफुल लाइफ में कहीं पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है तो आपका मन विचलित रहता है। जब हमारा मन बहुत ज्यादा विचलित होता है, डिप्रेस, तो हम क्या करते हैं, हम ईश्वर के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो लोगों में अमूमन ये एक प्रवृत्ति रहेगी कि चलो जाके मंदिर दर्शन कराएं। आप मंदिर दर्शन करने जाएंगे तो आपके घर के अंदर तो बना नहीं है, आप जाएंगे सड़क में, जाएंगे बाहर, जाएंगे बाहर जाएंगे तो रेडिएशन आपको होंगी, आप ग्रहण में हो सकता है नग्न अवस्था में सूर्य को देख लें या कुछ कर लें, इसलिए मंदिरों के किवाड़ जो है पट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण हमेशा से इंसान को अचंभित करता रहा है। इतना ही नहीं, आज जब हम ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों को जानते हैं तब भी ग्रहण से जुड़ी ये प्राचीन कहानियाँ और धार्मिक मान्यताएं हमें अचंभित करती हैं और उससे जुड़े रोमांच हमें आज भी आकर्षित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ग्रहण के बारे में हम हर साल कुछ ना कुछ सुनते पढ़ते और देखते रहे हैं। सदियों से ग्रहण एक ऐसा विषय रहा है जिसमें सभी की उत्सुकता बनी रहती है, लेकिन इस बार का सूर्य ग्रहण कुछ विशेष है क्योंकि इस बार के सूर्य ग्रहण को खगोल शास्त्री हाइब्रिड सूर्य ग्रहण बता रहे हैं। दरअसल इस बार के सूर्य ग्रहण को हाइब्रिड इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ऐसा ग्रहण 100 साल में एक बार आता है और इस हाइब्रिड सूर्य ग्रहण की सारी हाइब्रिड जानकारी आपको हम इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो हर साल घटती है, लेकिन इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण को बेहद खास माना जा रहा है और इसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। सूर्य ग्रहण के प्रकार, समय, सूतक, मान्यता और नियम वगैरह
ग्रहण से जुड़ी तमाम बातें आपने पढ़ी होगी, लेकिन ग्रहण के मामले में यह हाइब्रिड शब्द शायद पहली बार सुना होगा। ऐसा ग्रहण 100 साल में एक बार ही लगता है। यह हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का संयोग 100 सालों बाद बन रहा है। पिछला हाइब्रिड सूर्य ग्रहण 9 वर्ष पहले 3 नवंबर 2013 को देखा गया था। यह ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी न ज्यादा अधिक हो और न ही ज्यादा कम हो। देखिए, सूर्य ग्रहण की धार्मिक मान्यता यह है कि कहा जाता है कि जो कहानी प्रचलित है कि जब मोहिनी रूप धरकर भगवान विष्णु ने जो है देवताओं को जो है वो अमृत और राक्षसों को जो है वो मदिरा पान कराना प्रारंभ किया, तो राहु की जो बुद्धि थी वो इतनी तीव्र बुद्धि थी कि वो पहचान गया कि ये जो मोहिनी की जो है ये भगवान विष्णु है इस रूप में। तो वो जो है अमृत पीने के लिए देवताओं की श्रेणी में जाके बैठ गया, वहां उसने अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने जो है उसकी शिकायत करी, ये कहानी है, तभी से सूर्य चंद्रमा दोनों को जो है ग्रहण व्याप्त। सूर्य ग्रहण भौगोलिक घटना है जिसे कई बार आंखों से नहीं देखा जाता। दरअसल सूर्य के चारों ओर पृथ्वी समेत कई ग्रह परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है और वो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करता रहता है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सीधे नहीं पहुंच पाता, क्योंकि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब जब सूर्य के सामने अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो उसकी किरणें जो है वो स्कैटर हों, और वो स्कैटर्ड किरणें जो होती हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये साइंटिफिक प्रूवन बात है। तो जब वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अधिक है तो वो अधिक रेडिएशन जब आपके घर में आ रही है, आपके स्टूडियो के अंदर भी आ सकती है, मेरे घर के अंदर भी आ सकती है, मेरे फ्रिज के अंदर भी आ सकती है, मेरे चूल्हे में भी आ सकती है, तो वो नुकसान करती है उस अन्न को जो पका हुआ अन्न होता है, और जब हम खाते हैं या पीते हैं तो उस जल को भी दूषित करती है। इसलिए बोला जाता है कि आप उस समय खाने को ग्रहण ना करें, आप उस समय जल को ग्रहण ना करें। उसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा यानी कि राहु और केतु के नोडल पॉइंट्स बहुत एक्टिव रहते हैं इस टाइम पे, और राहु और केतु पाताल के वासी माने जाते हैं, तो उस समय पाताल लोक का एक्टिवेशन बहुत अधिक हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी, मतलब आप सही सोचने वाले भी होंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होकर नेगेटिव सोचने लगेंगे। आमतौर पर जब भी हमारे जीवन में कोई नेगेटिव चीज होती है तो सबसे पहले हमारी जुबान पर यही शब्द आता है कि हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई, जैसे कोई ग्रहण हमारे जीवन पर लग गया हो। इसी कहावत को चरितार्थ करने इस साल के पहले सूर्य ग्रहण को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, और इस बार सूर्य ग्रहण मेष राशि में रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण काल में किया गया जप, तप, दान आदि धार्मिक कार्यों का फल अति शीघ्र मिलता है। वैशाख अमावस्या को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है जिसे वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का नाम दिया है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण का मिश्रण होता है। ये सूर्य ग्रहण लगभग 100 साल में एक ही बार देखने को मिलता है। इस सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा की धरती से दूरी न तो ज्यादा होती है और न ही कम। इस दुर्लभ ग्रहण के दौरान सूर्य कुछ सेकंड के लिए एक वलय यानी रिंग जैसी आकृति बनाता है जिसे अग्नि का वलय यानी रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में नहीं माना जाएगा, जिसकी वजह से इसका सूतक भी मान्य रहेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सूतक काल का अर्थ क्या है और इसे क्यों मानते हैं। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। इस दौरान किसी भी तरह का कोई शुभ काम, पूजा पाठ करना वर्जित होता है। सूतक काल के दौरान मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति के बाद सूतक काल खत्म हो जाता है। ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और स्नान करना चाहिए। अगर रात्रि काल में देखा जाए तो भोजन को मना करते हैं कि भोजन नहीं करते रात्रि काल में। इसी प्रकार जब सूर्य की शक्ति नहीं आ पा रही, सूर्य की किरणें नहीं आ पा रही हैं 8 मिनट के लिए या 16 मिनट के लिए, तो उस बीच जो है हम लोग खाने को जो है प्रतिबंधित कर देते हैं कि इस बीच में खाना उसी प्रकार है जिस प्रकार रात्रि 12 बजे के बाद खाना होता है। इसलिए इसमें खाने का प्रयोग वो करते हैं हम लोग कि खाने खाना चाहिए। साथ में इसमें जो है कहता है जप किया जाए। जब सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है तो हम लोग इसमें जप करते हैं, वो जब इतना प्रभावी होता है क्योंकि उसका फल कहीं गुना बोला जाता है। अगर रात्रि काल में जो तांत्रिक लोग होते हैं वो रात्रि मध्य रात्रि काल में जो जप करते हैं
उसका प्रभाव जो पड़ता है वही प्रभाव ग्रहण काल के अंदर जब किए का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस वक्त जिस सूर्य की जो पूरी रोशनी है पृथ्वी में नहीं पहुंच पाती और वह कई गुना फलकारी होता है। धार्मिक शास्त्रों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी नहीं खाना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से सेहत पर गलत असर पड़ता है, और साथ ही ये भी बताया गया है कि इस समय भोजन करने से सारे पुण्य और कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जल की जब हम बात करते हैं, एक जापानीज प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने बहुत सारी बॉटल्स में जल भरा, सेम टैप का जल भरा, तो उसमें कोई ऐसे अलग नहीं था, और हर उसके ऊपर एक नोट लिखा, किसी के ऊपर थैंक यू लिखा, किसी के ऊपर सॉरी लिखा, किसी के ऊपर लिखा कि एंग्री, जेलस, तो अलग अलग इमोशंस के साथ। और जिस बॉटल में जो थॉट लिखा होता था, अगर लव लिखा है तो उसमें बहुत लविंग एनर्जी के साथ देखते थे, गुस्सा लिखा है तो गुस्से से देखते थे। और उसके बाद उन्होंने उस जल को लेके एक हफ्ते के बाद उसको माइक्रोस्कोप में उसके क्रिस्टल्स देखने की कोशिश करे, तो जो लविंग एनर्जी वाले क्रिस्टल थे वो बहुत ही ब्यूटीफुली निकल करके बाहर आए, लेकिन जिसमें एंगर, जेलेसी और ये सारे थे वो बिल्कुल स्कैटर्ड क्रिस्टल थे। एक ही वाटर के ड्रॉपलेट से बने हुए क्रिस्टल ऐसे अलग अलग कैसे हुए? क्योंकि वाटर एलिमेंट में किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने के, आपकी थॉट्स को, आपकी एनर्जीज को, आपकी ऊर्जाओं को, चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, उनको एब्जॉर्ब करने की बहुत बड़ी ताकत है। बता दें कि जब चंद्रमा सूर्य के किसी छोटे हिस्से के सामने आकर रोशनी रोकता है तब आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है। कुंडलाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बीच आकर रोशनी रोकता है, तब चारों तरफ एक चमकदार रोशनी का गोला बनता है, इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। वहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। सूर्य ग्रहण के दिन पवित्र नदियों में स्नान के लिए काफी तादाद में लोग पहुंचते हैं। स्नान के बाद नदी किनारे पर दान पुण्य करने का भी महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो सूर्य ग्रहण पर हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए जीएनटी।